हम खाना क्यों पकाते हैं? सब्जियां आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि वे विटामिन्स और मिनरल्स से भरी होती हैं। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को काम करने में, बढ़ने में और बीमारियों से दूर रखने में मदद करती हैं। खाना पकाना एक बेहतरीन तरीका है इन न्यूट्रिएंट्स को सब्जियों में से बाहर निकालने का। गर्मी की वजह से प्लांट सेल के वॉल्स टूट जाते हैं और विटामिन और मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें अब आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। खाना पकाने के दौरान प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन्स टूट जाती हैं, जिससे खाना पचाने में शरीर को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पर हमसे गलतियां हो सकती हैं। एक बड़ा कारण है पानी। जब हम सब्जी को पानी में उबालते हैं, तो जो विटामिन्स हैं, वह पानी में घुल जाते हैं। वह पानी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। हमें वह पानी फेंकना नहीं चाहिए और उसे सूप की तरह पी जाना चाहिए। हमारी गलतियों में सुधार आ सकता है अगर हम सब्जियों को बड़ा काटे और पानी का इस्तेमाल भी कम कर दे। तो तेल को उबालने से उसका तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है और उससे खाने के सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। तला हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट तो होता है, पर हल्का भुना खाना ज्यादा पौष्टिक होता है। कच्चे खाने में बैक्टीरिया होते है। खाना पकाने के समय बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम कम बीमार पड़ते हैं। पका हुआ खाना देर तक रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। खाना बनाना सिर्फ शरीर को ताकत देना नहीं होता, पर परिवार के साथ समय बिताना भी होता है। खाना बनाने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। इससे हमें एक दूसरे के विचार पता चलते हैं और हमें हमारी संस्कृति का महत्व भी पता चलता है। और बस यही वो चार कारण हैं जिस वजह से आज हम अभी खाना बनाते हैं।